चारू राजीव का फिर बिखरा रिश्ता। बेटी को लेकर पहुंची मायके। चारू राजीव का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है। दोनों के बीच फिर तनाव की खबरें आ रही हैं। दरअसल चारू ने एक वीडियो शेयर किया है जहां उन्होंने फिर अपने और राजीव के रिश्ते के बारे में कुछ बातें कही, जिससे मालूम होता है कि दोनों में फिर टेंशन चल रहा है। चारू ने अपने अगले व्लॉग में कहा, बीती रात जब मैं सोने जा रही थी तब मैंने YouTube पर कुछ कमेंट्स देखे। आप लोगों के कमेंट्स देखकर मैं थोड़ा दुखी हुई। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। खैर, हर किसी का अपना अलग नजरिया होता है और मैं उसे बदल नहीं सकती हूँ। कई लोगों ने मुझ पर प्यार भी बरसाया है। चारू ने ये भी कहा कि उन्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, सच सबके सामने जरूर आएगा। एक्ट्रेस बोली, मेरे जो फैंस हैं और जो ईमानदार सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे उन्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सच सबके सामने आ जाएगा। दूसरी ओर राजीव सेन ने अपने व्लॉग में चारू के सभी आरोपों को गलत और झूठा बताया है। राजीव ने कहा कि चारू का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। राजीव ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी मीडिया में चारू को लेकर कुछ गलत नहीं बोला है, सिर्फ उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को डिफेंड किया है। अब राजीव और चारू में कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ, ये कहना मुश्किल है। पिछले 2 सालों में राजीव चारू के बनते बिखरते रिश्ते ने कई बार सुर्खियां बटोरी, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी किया। क्या लगता है आपको इनके इस रिश्ते के बारे में, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ताज़तरीन खबरों के लिए देखते रहें टेली मसाला।